राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव कार्यक्रम का बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत ने कहा कि एक लंबे समय के बाद फिर से सरस महोत्सव मोरहाबादी में आयोजित किया गया। कोरोना महामारी की वजह से 3 साल तक ये महोत्सव आयोजित नहीं सका। कई सारे उत्सव महोत्सव इन 3 सालों में बाधित रहा। अब जब जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, सभी चीजें भी सामान्य हो रही है। लगभग 12 दिन तक मेले का आयोजन होगा। इस उत्सव को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि महात्मा गांधी के विचार के साथ खादी ग्राम उद्योग को देश और राज्यों में कैसे उसको बढ़ावा मिले, इसके लिए काम करना है। मोरहाबादी में आयोजित राष्ट्रीय खादी महोत्सव कार्यक्रम 8 जनवरी तक चलेगा। सीएम हेमंत ने कहा कि मेले के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश है कि हम किसी से कम नहीं हैं। राष्ट्रीय खादी महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हुए अपनी स्वदेशी चीजों का देश और विदेशों तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। आज यहाँ रांची के ऐतिहासिक मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, यहां उपस्थित आज इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उपस्थित विभिन्न राज्य के कलाकारगण, आए हुए यहां सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबका आज इस महोत्सव पर मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और जोहार है। एक लंबे समय के बाद आज फिर से ये सरस महोत्सव मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुई है। 3 साल लगभग ये महोत्सव आयोजित नहीं हो सका। कोरोना के वैश्विक महामारी की वजह से कई सारे उत्सव महोत्सव सभी चीजें बाधित रही और अब जब जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है तो सभी चीजें सामान्य भी हो रही हैं। उसी क्रम में आज ये महोत्सव भी फिर से नए जोश नई उमंग के साथ आज आप लोगों के मन को और उत्साहित करने के लिए तैयार है। लगभग 12 दिन ये मेला का आयोजन होगा और जैसे कि आप सबको मालूम है आज इस उत्सव को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के नाम से ही प्रतीत होता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।